नमस्कार दोस्तों, मैं सोम प्रकाश साहू उड़ान आई अकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है, ठीक है, आगे अलग अलग सब्जेक्ट विषय यार देख रहे हैं आप, वैसे मैं छत्तीसगढ़ का दूसरा भी आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ की जो नदियों पर जो है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी अपतंत्र के शामिल नहीं है। अब इनमें से कौन सा जो है गोदावरी अपतंत्र में शामिल नहीं है पूछा गया है। तो अगर बात करेंगे आप गोदावरी नदी की, देखिए, ठीक है, तो गोदावरी नदी अपतंत्र के अंतर्गत नारंगी नदी आता है भाई यहाँ पर, तो ठीक है, गोदावरी अपतंत्र के अंतर्गत हमारा, ठीक है, नारंगी नदी आते हैं। दूसरा हमारा देखेंगे तो सबरी नदी भी इनका हिस्सा है। तालपेरू की अगर बात करेंगे तो तालपेरू भी, सॉरी, अब इसके अपतंत्र की अगर देखें गोदावरी अपतंत्र, तो गोदावरी अपतंत्र का हिस्सा है सभी की अगर बात करें तो, ठीक है, तीनों के तीनों जो है आपका यहां से मान लो जाए हमारा क्या जा रहा है, ये गोदावरी नदी यहां पर आपको देखने मिलेंगे गोदावरी, ठीक है, तो यहां देखिए यहां से हमारा जो उड़ीसा से होती है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है आती है कौन सी नदी, सबरी नदी, सबरी नदी, ठीक है, एक सहायक नदी इनकी जो है ये है इंद्रावती, और इंद्रावती की सहायक नदी कोंडा गांव के माकड़ी तहसील से निकलकर हमारी नारंगी नदी, नारंगी, यहां पर बैला की पहाड़ी से, बैला की पहाड़ी से एक नदी निकलकर आती है जिसका नाम है तालपेरू नदी, तालपेरू नदी। सभी नदियों की अगर बात करेंगे नारंगी, सबरी और तालपेरू नदी, तीनों की तीनों नदी का हिस्सा है गोदावरी अपतंत्र का, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है भाई इसमें उनका हिस्सा है, क्या पूछा गया है, अपवाद अंतर का शामिल नहीं है करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हसदेव की सहायक नदी नहीं है। अब इसमें से पूछा गया कौन सी हसदेव की सहायक नदी नहीं है, तो हसदेव नदी प्रवाहित होती है, हसदेव की जो है आप देखें तो हसदेव नदी कहाँ से निकलती है भाई, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी कहाँ पर है, कैमूर की पहाड़ी ये पहाड़ी है कोरिया जिला के अंतर्गत, कोरिया, कोरिया जिला, कोरिया जिला में कैमूर की पहाड़ी से हमारी नदी निकलती है ये, ठीक है, हसदेव नदी ये प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदी है, तो सहायक नदी आपको देखने मिलेंगे, सहायक नदी है तान झिंग, तान झिंग, उत्तेग, उत्तेग गज बोला जाता है या इसी को हम क्या कहते हैं, गेज कहते हैं, गेज, अहिरन, अहिरन का एक और नाम है अहिरन, अहिरन इसी का नाम क्या है भाई, जटा शंकर, जटा शंकर, ठीक है, इसी का नाम क्या है, जटा शंकर, ठीक है, तान जिंग उत्ते गज अहिरन जटा शंकर चोरनई, चोरनई, तो ये प्रमुख सहायक नदी है किनकी, हसदेव नदी की, ये हमारी कौन सी नदी है, तो हसदेव नदी, हसदेव नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, तानजिंग उत्ते गज हिरण जटाशंकर चोरनई जो है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कौन सा जो है इसकी सहायक नदी नहीं है, तो चोरनई की अगर बात करेंगे तो चोरनई तो है, गज की अगर बात करेंगे तो गज नदी भी है, तान की अगर बात करें तो तान भी है, शंख की अगर बात करेंगे तो शंख नहीं है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, शंख नदी हमारा जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। संघ की अगर बात करें तो संघ किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्राह्मणी नदी अपवाहतंत्र का है, ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी अपवाहतंत्र जो है, ब्राह्मणी अपवाह का हिस्सा है, तो ब्राह्मणी अपवाहतंत्र में हमारा आता है संघ नदी, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, संघ नदी की अगर बात की जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाघ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बाघ नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होती है। देखो बाघ नदी की अगर बात करेंगे तो बाघ नदी कौन से अपवाहतंत्र का हिस्सा है भाई, तो यहां से हमारी नदी बह रही है कौन सी, गोदावरी नदी, कौन सी है ये, गोदावरी, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी आती है उत्तर से हमारा ये सहायक, सहायक नदी का नाम है वेन गंगा, और इस वेन गंगा की सहायक नदी कौन सी है, इधर से जो है मैकल पर्वत श्रृंखला से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है बाघ नदी, इसका नाम क्या है, बाघ नदी आपको देखने मिलेंगी, ठीक है, तो वेन बाघ नदी किसमें जाती है, वेन गंगा किसमें जाती है, गोदावरी नदी में, तो ये किसका है, गोदावरी अपतंत्र का हिस्सा है हमारा बाघ नदी, निकलती कहाँ से है, तो मैकल पर्वत रेंज, मैकल से, और मैकल का हिस्सा ही इसमें से कौन सा दिख रहा है भाई हमारा,
ठीक है, ये आपका कुलझारी की पहाड़ी, कुलझारी की पहाड़ी से ही ये नदी निकलती है। कुलझारी की पहाड़ी कहाँ पर है? कुलझारी, ठीक है, कुलझारी की पहाड़ी, कुलझारी की पहाड़ी हमारा है राजनांदगांव जिले के अंतर्गत। राजनांदगांव, राजनांदगांव में आपको कुलझारी की पहाड़ी मिलेंगे, यहीं से हमारी बाघ नदी का उद्गम होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, निम्नलिखित में से आपको नदी की लंबाई कितने कितने है ये हमें सुमेलित करना है भाई। देखो सबसे पहला अगर हसदेव नदी की अगर बात करेंगे, हसदेव नदी की टोटल लंबाई है 176 किलोमीटर लगभग में हमारा। लीलागर नदी की अगर बात करेंगे तो 135 किलोमीटर। जोंक नदी की अगर बात करें तो जोंक नदी लगभग 90 किलोमीटर के आसपास प्रवाहित होती है। और सबरी नदी आप देखेंगे तो ये 173 किलोमीटर प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये नदियाँ प्रवाहित होती है। इसके आधार पर हमारा आंसर कौन सा भाई? ए का कौन सा हो जाएगा? 3। तो ए का 3 दो में है, बी का 1 ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो नदी की लंबाई के आधार पर अगर देखिए कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं लंबाई के आधार पर। देखो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रवाह होने, छत्तीसगढ़ में जो प्रवाहित होती है उन नदियों की बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी की टोटल लंबाई अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है 290 किलोमीटर। ठीक, दूसरा हमारा है महानदी 286 किलोमीटर। तीसरा हमारा है इंद्रावती नदी जो टोटल लंबाई है 264 किलोमीटर। ठीक है, चौथा हमारा है हसदेव नदी जो 176 किलोमीटर। पांचवा हमारा सबरी नदी 173 किलोमीटर, 173 किलोमीटर। सबरी के बाद आप देखेंगे तो मांड की बात करेंगे तो 155 किलोमीटर। मांड नदी के बाद आप देखेंगे तो, ठीक है, मांड के बाद हमारा है रिहन 145 किलोमीटर। रिहन के बाद आपका कोठरी और लीलागर दोनों नदियों की लंबाई है 135 किलोमीटर। फिर हमारा है मन्यारी आप देखेंगे तो 134 किलोमीटर। मन्यारी के बाद आप देखेंगे एक है, ठीक है, कन्हार नदी तो 115 किलोमीटर। और केलो नदी की बात करेंगे तो केलो 112 किलोमीटर। अर्पा है आपका, अर्पा नदी हमारा लगभग जो है 100 किलोमीटर। और अर्पा के बाद आप देखेंगे, अर्पा के अलावा और छोटी नदियों में जाएंगे तो और छोटी छोटी नदी आपको देखने को मिलेंगे, यहां तक लगभग बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिहन की सहायक नदी नहीं है? रिहन की सहायक नदी कौन सी है भाई? अब देखो रिहन की सहायक नदी की बात करेंगे तो यहां पर हमारे हैं मतरिंगा जो पहाड़ी से जो है सरगुजा जिले के अंतर्गत यहीं से नदी निकलती है जिसका नाम है रिहन। ठीक है, इस रिहन नदी की प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करेंगे, महान मोरनी सूर्या गुनगुट्टा महान मोरनी, सूर्या गुनगुट्टा और गोबरी। प्रमुख सहायक नदियों में महान मोरनी, सूर्या गुनगुट्टा और गोबरी ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो निम्नलिखित कौन सी सहायक नदी नहीं है पूछा है, जिसके हिसाब से गोबरी है, मोरनी की अगर बात करेंगे तो है, ठीक है भाई, महान की अगर बात किया जाए तो महान भी है, और ये हमारा गलफुला हमारा नहीं है। गलफुला किसकी सहायक नदी है? ये कन्हार की सहायक नदी है। गलफुला किसकी सहायक है? तो कन्हार की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती की उत्तरी सहायक नदी में शामिल नहीं है पूछा गया, कौन से जो उत्तरी सहायक नदियों में शामिल नहीं है। तो देखिए नदी अगर देखेंगे यहां पर हमारा ये आगर जा रही, कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। तो इनकी सहायक नदी आप देखेंगे तो यहां पर हमारे एक नदी आती है कोटरी के बाद एक सहायक नदी है गुडरा। फिर एक सहायक नदी आती है कोटरी गुडरा निब्रा। एक सहायक नदी कौन सी आती है? निब्रा। एक हमारी सहायक नदी यहीं पर आएंगे बोर्डिंग के बाद आप देखेंगे यहां पर हमारा नारंगी, भवर्डिंग करके भी आता है लेकिन यहां पर हमारा प्रमुख ही है। ये सभी कहां से आ रही?
उत्तर की ओर से। अब उत्तरी नहीं बोला जाता है, जनरली हम राइट और लेफ्ट बोलते हैं, जैसे कि नदी का प्रवाह इस ओर है तो ये सारी की सारी नदियां कौन सी ओर से आ रही है भाई, राइट की ओर से आ रही है, ठीक है, राइट ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, या जो हम कहेंगे इसे दाई ओर से आने वाली सहायक नदी। नीचे जो बाई ओर से आने वाली सहायक नदियों की अगर बात करेंगे, नीचे बाई ओर से, तो यहां पर आप देखेंगे एक सहायक नदी जो जाती है जिसका नाम है डंकनी। डंकनी एक सहायक नदी है, डंकनी की एक सहायक नदी यहां पर कौन सी आती है, संखनी, संखनी। और एक सहायक नदी की अगर बात करेंगे जिसका नाम है नंदीराज, नंदीराज पहाड़ी जो है आपका बैलाडीला की पहाड़ी, वहीं से नंदीराज हमारा नदी भी निकलती है, तो ये एक सहायक नदी है, ठीक है। तो यहां से आने वाली सहायक नदी में नंदीराज है, संखनी है, डंकनी है, और एक सहायक नदी और आती है जिसका नाम है चिंता, चिंतावागु, ठीक है। ये चार प्रमुख सहायक नदी जो है किस ओर से आ रही है, तो ये बाईं ओर से आने वाली सहायक नदी है। अब क्वेश्चन के आधार पे उत्तर और दक्षिण देखेंगे तो वो ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण, तो इसके आधार पर हमारा सही उत्तर कौन कौन सा हो जाएगा भाई, निब्रत तो उत्तर से आ रहा है, बोर्डिंग भी उत्तर से आ रहा है, नारंगी भी उत्तर से, तो कहीं सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा, नंदीराज। नंदीराज कहां से आ रहा है, इसकी दक्षिण से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला, छत्तीसगढ़ की किस नदी को नौका परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जहां पर नौका परिवहन आपको देखने को मिलेंगे, कौन सी नदी भाई छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो नौका परिवहन है, तो यहां से हमारी एक नदी प्रवाहित हो रही है जिसका नाम है सबरी नदी। कौन सी नदी, सबरी नदी, और सबरी नदी का ही प्राचीन नाम क्या है, कोलाब नदी। और इसी कोलाब नदी पर जो है कहां से लेकर भाई, यहां पर हमारा है कोंटा, कोंटा मतलब सुकमा जिले के अंतर्गत कोंटा, आंध्र प्रदेश के कुनावरम, कुनावरम यहां तक जो है लगभग कितने लंबाई के 36 किलोमीटर तक के जो आपको नौकायान परिवहन या जल परिवहन का सुविधा हमें देखने को मिलती है, जल परिवहन या नौका परिवहन का सुविधा देखने मिलेगी। कौन सी नदी है, तो कोलाब नदी पर जो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताने इसमें से कौन सा कथन असत्य है, बताना है, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, कोलाब गोदावरी की दूसरी बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ के रिफरेंस में अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल सही, कोलाब मतलब हमारी सबरी नदी, इंद्रावती नदी हमारा देख लिया है, इंद्रावती पहली बड़ी नदी है, इंद्रावती जो नदी है 264 किलोमीटर, तो उसके आधार पर अगर देखेंगे तो इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में प्रवाहित, छत्तीसगढ़ के रिफरेंस में देखें तो। और सबरी नदी की अगर बात करेंगे तो सबरी नदी बिल्कुल भाई ये क्या है हमारा 173 किलोमीटर, दूसरी बड़ी नदी है, तो पहला कथन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कन्हार नदी का उद्गम बखोना चोटी से होता है, बिल्कुल सही, बखोना चोटी कहां पर है, तो बखोना चोटी जसपुर जिले के अंतर्गत जो पंडरा पाट है, पंडरा पाट जसपुर जिले के अंतर्गत पंडरा पाट से जो बखोना चोटी से नदी निकलती है, कौन सी, कन्हार नदी, ये भी सही है। रिहन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है रिहन नदी, आप देखेंगे तो रिहन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर, कौन सी बात हुई, ये हमारे जो मतरिंगा की पहाड़ी है यहां से उत्तर की ओर ये प्रवाहित होती है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर वाली क्या बात है, नहीं, ठीक है। गोंगा नदी लीलागढ़ की प्रमुख सहायक नदी है, तो नहीं, गोंगा नदी की अगर बात करेंगे तो ये लीलागढ़ की सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये किसकी सहायक नदी है भाई, गोंगा, टेसवा, आगर, छोटी नर्मदा, ये मनियारी की सहायक नदी है, ठीक है, मनियारी की सहायक नदी है। तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, तीन और चार क्या हो जाएंगे इसमें, असत्य कथन है, तीसरा और चौथा, दक्षिण से उत्तर की ओर केवल हमारे जो है देखेंगे दक्षिण की ओर जाते ही नहीं है, सीधा उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है, तीन और चार हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, केवल और केवल चार करके भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम जाएंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या रहेगा भाई, ये थोड़ा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, या दक्षिण लिख दिया है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ऐसा अगर दिया जाए तो केवल और केवल हमारा चार आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा इसके अंतर्गत, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य उड़ीसा से संबंधित नहीं है। अब नदी की अगर बात करेंगे किसका संबंध उड़ीसा से नहीं है, तो देखिए अगर नदी की बात करेंगे इसमें छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, देखो छत्तीसगढ़ में जो हमारा ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में देखिए कैसे संबंधित नहीं, तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो उड़ीसा से संबंधित कोई है कि नहीं है, ठीक। यहां पर अगर नदी की बात करेंगे महानदी, तो महानदी कहां पर भाई, सिहावा पहाड़ी धमतरी जिले से निकलकर ये प्रवाहित होती है और उड़ीसा में जाती है, तो बिल्कुल उड़ीसा में जा रही, संबंधित है कि नहीं महानदी का, तो बिल्कुल है। दूसरा इंद्रावती, ये तो सीधा हमारा कहा है उड़ीसा से ही निकलती है, उड़ीसा से प्रवाहित होकर यहाँ पर जाकर जो है हमसे
गोदावरी नदी से मिल जाती है, तो ये भी संबंधित है उड़ीसा से। दूसरा हमारा यहीं पर हमारा कौन सा भाई, सबरी नदी ये हमारा जो है कालाहांडी जिले से निकलती है, और ये कोरापुट जिला से निकलती है सबरी नदी, कोरापुट जो जिला, यहाँ से हमारी सबरी नदी प्रवाहित होती है। तो तीनों की तीनों का संबंध किससे है भाई, तीनों का तीनों संबंधित है किससे, ठीक है, उड़ीसा राज्य से संबंधित नहीं है पूछा गया, तो हमारा सही उत्तर क्या है, इनमें से कोई नहीं, तीनों का संबंध है, इन दोनों का तो उद्गम है लेकिन ये प्रवाहित होती है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है, तो गोविंद वल्लभ पंत जो सागर जो बनाया गया है, ठीक है, ये बनाया गया है रिहन परियोजना के अंतर्गत आपको उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो नदी कौन सी नदी पर है, तो रिहन नदी पर ही गोविंद वल्लभ पंत सागर देखने मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तांदुला बांध किस जिले में स्थित है, तो तांदुला बांध की अगर बात करेंगे तो कौन कौन सा, तांदुला बांध कहां पर है भाई, तांदुला बांध आपको पता होगा कि बालोद जिले के अंतर्गत आपका तांदुला नदी पर ही तांदुला बांध स्थित है, बालोद जिले में यह स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ नदी दिया है एक तरफ उसका उद्गम स्थल दिया है, कि कौन से नदी का उद्गम स्थल कहां कहां पर से होता है, एक आपका हाफ नदी ठीक है, इंद्रावती नदी, अर्पा नदी और कन्हा नदी, और इस तरफ आपको दिया हुआ है, ठीक। इसमें अगर बात करेंगे कौन कौन से पहाड़ी क्षेत्र से कौन कौन से निकलते हैं, हाफ नदी की अगर बात करेंगे तो हाफ नदी कहां से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कांदावनी की पहाड़ी मैकल पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जिसमें कांदावनी की पहाड़ी कहां पर, कबीरधाम जिला, ठीक है, कबीरधाम जिला कांदावनी की पहाड़ी से हाफ नदी। दूसरा इंद्रावती नदी की अगर बात करेंगे तो इंद्रावती नदी कहां पर भाई, कोरापुट ओडिशा राज्य के अंतर्गत जो कालाहांडी जिला है, कालाहांडी यहां से ये नदी निकलती है, मुंगेर की पहाड़ी से इंद्रावती। अर्पा नदी की अगर बात करेंगे तो पेंड्रा के पठार में खोगसरा की पहाड़ी इस पहाड़ी से हमारी नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, तो पेंड्रा के, ठीक है, पेंड्रा लोरमी का पठार, अब पठार दिया है तो पेंड्रा लोरमी का पठार, लेकिन है कहां पर, पेंड्रा के पठार के खोंडरी खोक्सरा की पहाड़ी से, ठीक है, जिला हमारा कौन सा, जीपीएम गौला पेंड्रा मरवाही जिला से ये नदी निकलती है, अर्पा नदी। और एक हमारा कन्हार नदी कहां से, अभी पीछे देखें, बखोना चोटी पंडरापाट और जसपुर जिला, तो इसके आधार पर हमारा सही हो जाएगा, ए का क्या है भाई, थ्री, ठीक है, बी का हमारा कौन सा हो जाएगा, बी का फोर दोनों में है, सी का वन यहाँ पर देखने मिलेंगे, तो ये वाला हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से जमुनिया किसकी सहायक नदी है, जमुनिया की अगर बात करेंगे, जमुनिया किसकी सहायक नदी है पूछा गया है, ठीक है, तो यहां से हमारी एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है शिवनाथ नदी, कौन सी, शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ की बहुत सारी नदियां हैं, जो बलौदाबाजार जिला से छोटी सी नदी आती है, कहां पर, बलौदाबाजार जिला से एक नदी आती है जिसका नाम है जमुनिया, ठीक है, जमुनिया। तो जमुनिया किसकी सहायक नदी है, शिवनाथ नदी की ये सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़े, ये शिवनाथ नदी की ये हमारी सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसके अंतर्गत देखेंगे तो क्या पूछा गया भाई, ठीक है, संगम स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो संगम स्थल बताना है कि यहाँ पर एक जगह आपका चंद्रपुर है, एक जगह हमारा राजमहल, एक हमारा शिवरी नारायण, तीनों जगह के बारे में बताना है कि कौन कौन से नदी। देखो चंद्रपुर में अगर बात करेंगे तो चंद्रपुर में तीन नदियां त्रिवेणी संगम है, कौन कौन सा है, ठीक है, महानदी, मांड नदी, लात नदी, तीनों का संगम आपको देखने मिलेंगे, महानदी, लात नदी और मांड, तीनों, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। पैरी, सोंडूर और महानदी का संगम कहाँ पर है, तो राजिम में, पैरी हो गया, सोंडूर हो गया, ठीक है, सोंडूर नदी, तीनों का संगम कहाँ पर है, राजिम के अंतर्गत। जोक, शिवनाथ और महानदी, जोक नदी, शिवनाथ नदी और महानदी, इन तीनों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ पर है, शिवरी नारायण, तो ये भी हमारा क्या भाई, सही। तो तीनों के तीनों कथन कैसे भाई सही है, तो हमारा इनमें से कोई नहीं असत्य, हमारे में क्या हो गया, इनमें से नहीं, तीनों क्योंकि सत्य कथन है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का न्याग्रा या भारतीय न्याग्रा की संज्ञा दी गई, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो है हमारा सबसे चौड़ा जलप्रपात, इसी को भारत का क्या दिया गया है, न्याग्रा कहा गया है।
इसकी शेप अगर देखेंगे आकृति किस प्रकार की, इसकी आकृति जो घोड़े की नाल होती है, इसके समान घोड़े के नाल के समान की आकृति है, घोड़े के नाल के समान क्या है इसकी आकृति है, ठीक है। टोटल इसकी चौड़ाई की अगर बात करेंगे, यहां से लेकर यहां तक जाते थे, इसकी टोटल चौड़ाई है, टोटल चौड़ाई आप देखेंगे ये लगभग 300 फीट या आपको ऑप्शन में दिया रहा है 100 मीटर, तो दोनों एक ही है, ठीक है। 300 फीट से 100 मीटर के आसपास इसकी टोटल चौड़ाई है, ऊंचाई ज्यादा नहीं है। ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो ऊंचाई मात्र जो है 90 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो इसे ही हम चित्रकूट जलप्रपात को क्या कहते हैं, भारत का नियाग्रा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला अमृतधारा जलप्रपात किस जिले के अंतर्गत आते हैं, तो अमृतधारा जिले की अगर बात करेंगे कौन से जिले, तो ये हमारा ठीक है हसदेव नदी है, तो हसदेव नदी पर ही हमारा जलप्रपात बनता है जिसका नाम है अमृतधारा, ठीक है अमृतधारा। अमृतधारा जलप्रपात वर्तमान समय में कौन से जिले के अंतर्गत आता है, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर हमारा नया जिला है, एमसीबी जिला, इसके अंतर्गत आता है अमृतधारा जलप्रपात जो है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कोटली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो नदी पूछा गया है कोटली जलप्रपात, तो कोटली जलप्रपात है कहां पर, बलरामपुर जिला, बलरामपुर जो जिला है यहां पर स्थित है कोटली जलप्रपात, और इस बलरामपुर जिले के अंतर्गत कौन सी नदी पर है, तो नदी कौन सी है कन्हार नदी पर, कन्हार नदी पर हमारा कोटली जलप्रपात का निर्माण होता है। अगला बढ़ते हैं आगे भाई, अगला क्वेश्चन, एक तरफ जलप्रपात दिया हुआ है दूसरी तरफ उनकी नदी, तो इन्हें सुमेलित कीजिए, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा मलाज कुंडम जलप्रपात कहां पर है, तो मलाज कुंडम जलप्रपात है दूध नदी पर, कौन सा जिला है ये कांकेर जिला के अंतर्गत, कौन सा जिला है हमारा कांकेर जिला। दूसरा गावर घाट जलप्रपात की अगर बात करेंगे, गावर घाट जलप्रपात ये जलप्रपात है कहां पर हसदेव नदी, जिला कौन सा हो जाएगा हमारा कोरिया जिला के अंतर्गत, ठीक है। तीरथगढ़ जलप्रपात की बात करेंगे तो तीरथ जलप्रपात कहां मुंदाबहार नदी पर, ठीक है जिला हो जाएगा हमारा कौन सा बस्तर जिला के अंतर्गत है। और रक्षगंडा जलप्रपात की बात करेंगे तो ये है मान नदी पर, कौन से जिले में है तो सरगुजा जिले के अंतर्गत, ठीक है सरगुजा जिले में हमारा मान नदी स्थित है। तो इसके आधार पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई आपका एकावन, तो एकावन दो जगह है, तीन जगह है, बी का हमारा क्या हो जाएगा फोर, एकावन बी का फोर, एक ही जगह दिख रहा है ये डी, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, अब छत्तीसगढ़ का वर्तमान समय में जो लिया जा रहा है व्यापम या पीएससी के द्वारा आंसर के आधार पर हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो तीरथगढ़ जलप्रपात क्या है हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो लगभग 300 फीट ऊंचाई से गिरता है, 300 फीट ऊंचाई से लगभग इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 300 फीट ऊंचाई से गिरता है तीरथगढ़ जलप्रपात जो है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात लगभग 90 फीट ऊंचाई वाला है, ये ज्यादा ऊंचा नहीं है, अमृतधारा भी ज्यादा ऊपर नहीं है, भी 90 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है, केंद्रीय जलप्रपात के बारे में नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जलप्रपात किस जलप्रपात को छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर जनरली से छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर कहे या कोरिया का एयर कंडीशनर कहते हैं, क्या कहा जाता है कोरिया का एयर कंडीशनर, कोरिया का एसी कह दे, ठीक है। तो इसे कौन से नदी को कहते हैं भाई, तो नदी हमारा है अकूरी नाला, अकूरी नाला जो है, ठीक है अकूरी नाला जलप्रपात जो है, अकूरी नाला जलप्रपात किस नदी पर है, तो हसदेव नदी पर, हसदेव नदी, हसदेव नदी पर ही अकूरी नाला जलप्रपात, इसी को हम क्या कहते हैं कोरिया का एयर कंडीशनर कहते हैं, कोरिया का एयर कंडीशनर कहते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, छत्तीसगढ़ के नदियों के संगम व उसके संगम स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कि कौन कौन से जो है, जैसे हमने देखे राजिम के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो सोंडूर बैरी महानदी बिल्कुल सही है संगम, तो सिवरी नारायण के अंतर्गत अगर बात करेंगे जोंक शिवनाथ महानदी ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चंद्रपुर की अगर बात करेंगे तो जोंक मांड और महानदी, जोंक नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये गलत हो गया, जोंक नदी नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाएगा लात नदी होना चाहिए, जोंक के बजाय हमारा क्या है चंद्रपुर में लात नदी। खैरागढ़ की अगर बात करेंगे तो आमनेर मुस्का पिपरिया इन तीनों का संगम है, तो ये तो हमारा सही, इनमें से पूछा गया कौन सा सही नहीं, तो केवल तीन नंबर हमारा सही नहीं है, ठीक है। जोंक की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर लात नदी आएगी, यहाँ पर लात नदी आएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखिए, जलप्रपात और नदी को हमें क्या करना है सुमेलित कीजिए, जलप्रपात और नदी को क्या कीजिए सुमेलित कीजिए, तो इसके अंतर्गत देखिए जलप्रपात और नदी हम ठीक कौन कौन सा है, अमृतधारा जलप्रपात की अगर बात करेंगे तो अमृतधारा कहाँ पर है हसदेव नदी पर,
कोटली जलप्रपात की बात किया जाए तो ये कहाँ पर है, कन्हार नदी पर। गुप्तेश्वर जलप्रपात हमारा है कोलाब या सबरी नदी पर, ठीक है। पवई जलप्रपात कौन सी है, चिनार नदी पर, ठीक है। ये नदियों की बात हो गई, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी नदियों में हमें देखने में, तो इसके आधार पर हमारा सही उत्तर ए का हो जाएगा, 3A का 3, बी का कौन सा हो जाएगा, तो बी का 4, यही तो हमारा सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं इसके अंतर्गत, छत्तीसगढ़ में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई की अगर बात करेंगे सबसे बड़े सोर्सेस की, तो सबसे बड़ा सोर्स छत्तीसगढ़ के अंतर्गत किसके माध्यम से होती है, नहरों के माध्यम से। सबसे ज्यादा हमारे किनके माध्यम से होते हैं, सबसे ज्यादा नहरों के माध्यम से होती है, ठीक है, पहला नंबर में। दूसरा नंबर के अंतर्गत नलकूपों के माध्यम से होती है। तीसरा नंबर में अगर बात करेंगे तो तालाबों के माध्यम से, और चौथा नंबर में हमारा कुओं के माध्यम से। सिंचाई के बड़े सोर्स में हमारा कौन सा है, नहर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है, इनमें से कौन सी शिवनाथ की सहायक नदी नहीं है, तो शिवनाथ नदी ये हमारी प्रवाहित हो रही, शिवनाथ आप देखेंगे तो ये शिवनाथ नदी जाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन जमुनिया, आपको बताया था कि जमुनिया बलौदा बाजार के अंतर्गत, जमुनिया इसकी शिवनाथ की सहायक नदी है, ठीक है। जमुनिया के बाद अगर देखेंगे लीलागढ़, तो लीलागढ़ नदी भी क्या भाई, शिवनाथ नदी प्रवाहित होती है तो ऊपर से हमारा लीलागढ़ नदी आती है, तो लीलागढ़ भी क्या इसकी सहायक नदी है, ठीक है। मनियारी की अगर बात किया जाए तो मनियारी भी क्या है इनकी सहायक नदी है, मनियारी भी क्या है इनकी सहायक नदी, तो लीलागढ़ भी है, मनियारी भी है, जमुनिया भी है, और एक आपका है बोरई, बोरई की अगर बात करेंगे तो बोरई नहीं है, ये किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है, बोरई किसकी सहायक नदी है, महानदी की, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा, बोरई, बोरई नहीं है इनकी सहायक नदी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तीन नदियों के संगम पर बसा है, देखिए तो कौन सा स्थान जो ये तीनों ही है, चंद्रपुर, राजिम, श्रीनगर, तीनों ही क्या है, कहां पर है, त्रिवेणी संगम पर है, पहले भी देख लिए कौन कौन से नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक। परियोजनाओं की बात की गई है, कौन कौन सी परियोजना किस किस नाम से, केलो नदी पर जो हम देखेंगे तो केलो नदी पर दिलीप सिंह जुदेव परियोजना है क्या, स्व दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, तो बिल्कुल ही। अगर खुड़िया बांध अगर बात करेंगे तो यही खुड़िया बांध का संजय गांधी परियोजना सीखो कहते हैं। कोडार परियोजना की बात करें तो ये किनके नाम पर है, शहीद वन वीर नारायण सिंह परियोजना कहते हैं। गंगरेल की अगर बात करेंगे तो पंडित रविशंकर जलाशय या परियोजना पंडित रविशंकर, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। खुड़िया बांध की अगर बात करेंगे तो खुड़िया बांध देखेंगे तो ये हमारा गलत है, कौन सा गलत है भाई, खुड़िया बांध। खुड़िया बांध की अगर बात करेंगे पूर्व में इसका नाम है, ठीक है, ये किस परियोजना के अंतर्गत, परियोजना होना चाहिए हमारा कौन सा, मनियारी परियोजना, मनियारी नदी पर आपका क्या है भाई, मनियारी परियोजना। तो मनियारी परियोजना का नाम जो है पूर्व में इनका क्या था भाई, ठीक है, राजीव गांधी जलाशय, जिसका वर्तमान में नाम अब क्या हो गया है, तो खुड़िया रानी, खुड़िया जलाशय या खुड़िया बांध कह देते हैं, खुड़िया बांध इसी को कहते हैं, ठीक है। तो जो सुमेलित नहीं, खुड़िया बांध को क्या बोला गया है, राजीव गांधी नहीं, तो ये गलत है, ठीक, राजीव गांधी होता है, संजय गांधी बोला गया है, ये गलत है। संजय गांधी जनरली हम किसे कहते हैं, संजय गांधी कहा जाता है जो खुटाघाट बांध है उसे, खुटाघाट बांध का प्राचीन नाम क्या है, इसका नाम है, प्राचीन नाम संजय गांधी परियोजना था, ठीक है, बाकी सब हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए अगला, आमनेर मुस्का पिपरिया का संगम कहां पर है, तो आमनेर मुस्का पिपरिया का संगम है खैरागढ़ के अंतर्गत, इन तीनों नदियों का संगम देखने मिलेगा, आमनेर मुस्का पिपरिया का। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपुरी और दमेरा जलप्रपात निम्नलिखित किस जिले में है, तो राजपुरी दमेरा ये जलप्रपात कहां पर है, जसपुर के अंतर्गत आपको देखने मिलेंगे। जसपुर में आप देखेंगे तो एक आपका राजपुरी है, राजपुरी, एक हमारा दमेरा, दमेरा के बाद आपका रानी दा, एक आपको दानपुरी जलप्रपात मिलेंगे यहीं पर, ठीक है। तो राजपुरी, दमेरा, दानपुरी, ठीक है, एक आपको जो मिलेंगे खुड़िया रानी जलप्रपात भी यहीं पर है, खुड़िया रानी जलप्रपात, ये सब वाटरफॉल है, सभी क्या है, वाटरफॉल, और बेने जलप्रपात है, एक गुल्लू जलप्रपात भी यहाँ पर, गुल्लू, बेने, राजपुरी, दमेरा, रानी, दानपुरी, खुड़िया रानी, ये सभी के सभी जलप्रपात कहाँ पर है, तो जसपुर के अंतर्गत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, महानदी को सतयुग में कहा जाता था,
महानदी की अगर बात करेंगे कौन से युग, सतयुग की बात किया जाए तो सतयुग में इसे कहा गया है नीलोत्पला कहा गया है। नीलोत्पला जो है वायु पुराण में जो कहा गया है वो सतयुग की बात है, ठीक है। वायु पुराण में जो क्या कहा गया है, नीलोत्पला जो सतयुग में यही कहा गया है, ठीक है। कनक नंदनी इनका प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम में उल्लेख मिलता है, प्राचीन नाम क्या है तो ठीक है कनक नंदनी। चित्रोत्पला की अगर बात करेंगे तो चित्रोत्पला कहां पर मिलता है, चित्रोत्पला जो नाम है ये द्वापर युग में था। द्वापर युग में किस नाम से जाना जाता था, चित्रोत्पला के नाम से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, एक तरफ जलप्रपात है दूसरी तरफ नदियां हैं, एक तरफ जलप्रपात दूसरी तरफ नदियों की अगर बात करेंगे कौन कौन से प्रमुख हमारा जलप्रपात और नदी। देखिए इसके अंतर्गत तो कोठली जलप्रपात की अगर बात करें तो कोठली जलप्रपात हमारा कन्हार नदी हो गया, मलाज कुंडम हमारा हो गया जो है दूध नदी पर हो गया, सात धारा जलप्रपात की अगर बात करेंगे तो सात धारा हमारा इंद्रावती नदी पर, तीरथगढ़ जलप्रपात हमारा कहाँ पर है मुनगा बहार नदी पर, और सरबंजा जलप्रपात मान नदी पर। तो इसके आधार पर आप आंसर निकाल सकते हैं जो भी आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।